शैतान गरीबी से डराता है, बोले मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो गरीबी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और लोग ये समझते हैं कि तकवे वाले लोग तो गरीब रहते हैं, ऐसा लोगों के जहनों में शैतान डर डालता है, बोलते तकवा आया मतलब गरीब रहना पड़ेगा। हालांकि कुरान की आयत पढ़ेंगे तो उसका ऑपोजिट बात दी, उसके खिलाफ बात दी है। सूरह तलाक में सूरह 65 आयत नंबर 3 अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यत्तकिल्ला, जो तकवा रखता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा, वयरज़ुकहू मिन हैथु ला यहतसिब, वहां से रिज़्क देगा जहां से सोच नहीं सकते, जहां से सोच नहीं सकते वहां से रिज़्क देगा। मतलब जब हलाल काम करेंगे ना मेरे भाइयों और बहनें, तो रिज़्क कहां से आएगा, सोच नहीं सकते वहां से रिज़्क आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों और बहनें, ये चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग, ये चीज़ को हम लोग कैसे छोटा समझ सकते हैं।